खबर हंडिया से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक एक में जीवनम स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 5 साल के बच्चों में एनीमिया, टीबी, आयरन की कमी आदि की जांच की गई। वहीं हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सीएमओ डॉक्टर शैलजा महाजन ने बताया कि जगह जगह पर शिविर का आयोजन कर 5 साल के बच्चों में एनीमिया, टीबी, आयरन की कमी आदि की जाँच की जा रही है। वहीं 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ रोग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी दी जा रही है। वहीं टीबी के मरीजों की जांच की जा रही है, ताकि उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हंडिया से संवाददाता बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। जीवनम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे हंडिया में आंगनबाड़ी क्रमांक एक में किया गया। इस शिविर में हम सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मातृ एवं शिशु दस्तक अभियान में विटामिन ए और आयरन, एनीमिया की खोज, बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया का प्रबंधन, और चूंकि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ रोग खोज अभियान चल रहा है, वो भी हम करेंगे, और टीबी मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में टीबी के मरीजों की खोज और टेस्टिंग, ये सारी सुविधाएं यहाँ दी जाएगी। जीवनम स्वास्थ्य शिविर हंडिया आंगनबाड़ी क्रमांक एक में 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसमें हिमोग्लोबिन जांच हुई और रक्त की जांच हुई,